أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على دعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسني والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماتر الباقرية والعسار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجاج الرضوية والجود التقوية والنعوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله الصلوات دعاء سلامتي إمام الزمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات بسم الله الرحمن الرحیم تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اسی خدا واحد کو زیبا ہے جو اس کائنات کا خلق کرنے والا ہے کہ جس نے ہمیں دامن آل محمد سے وابستہ کیا پروردگار جو ہمارا پالنے والا ہے کہ جس نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا آسمان کا شامیانہ تانا وہ ذات واجب کہ جس نے اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز کیا وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے نعمتیں اتنی کہ ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے وہ پروردگار عالم کہ جس نے سنگ خارا کے سینے سے اس ذات واجب نے میٹھے اور کھارے پانی کو رواں دواں کیا کوئی اور کر نہیں سکتا سورج چاند ستاروں کو روشنی عطا کی سورج کو غروب کرنے والا بھی وہی ہے اور دوبارہ نکالنے والا بھی وہی ہے طلوع کرنے والا بھی وہی ہے ستارے جو جگمگا رہے ہیں اسی ذات واجب کی قدرت ہے چاند جو روشن اور چمکدار ہے وہ اسی پروردگار عالم کی ثنا گری ہے کوئی اور کر نہیں سکتا وعدے حمد و ثنائے پروردگار عالم ہم سب کا ہزارہا درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر کہ جن کے صدقے میں یہ عرش و فرش بنے کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی پروردگار اس کائنات کو یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ زمین یہ آسمان یہ لوح قلم یہ کرسی ابھی حدیث کے سامنے سنا ہوگا نا کہ اس کائنات کو خلق نہ کرتا فقط ان چیزوں کو خلق کیا ہے یعنی زمین کو خلق کیا ہے اس آسمان کو خلق کیا ہے اس عرش فرش کو تو فقط ان ہستیوں کی محبت میں جو اس چادر کے نیچے ہیں جو اس کساں کے نیچے ہیں پتہ یہ چلا پروردگار نے
इस पंचतन की मोहब्बत में इस कायनात आलम को खल्क किया है, तो मैं और आप मंजिले शुक्र पर होते हैं। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि हम हस्तियों के चाहने वाले। तो मोमिनात आज मुहर्रम की 6 तारीख हो गई है, मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह 6ठा रोज है इस फर्श अजा पर चाहने वालों को आते हुए। ये फर्श जो अबा अब्दुल्ला हुसैन इब्ने अली जो जलवे रहमानियत और रहीमियत इलाही का मजहर है, उस हुसैन का फर्श। मेरे मौला कहते हैं जहां मेरा फर्श बिछता है वो मेरे हरम की मानंद है। दुआ करूंगी परवरदिगार आप सबको और मुझे आइंदा बरस इंशाअल्लाह ताला ये दिन करबला मुअल्ला में नसीब हो, हरम अबा अब्दुल्ला में नसीब हो, चाहने वालों को बार बार जाना नसीब हो। हर चाहने वाले की ख्वाहिश होती है कि मौला बार बार जिंदगी में आपके रोजे की जियारत नसीब हो। तो सैयदुश्शुहदा अबा अब्दुल्ला हुसैन इब्ने अली का की मुनाजात का वो जुमला इमाम इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगारे आलम जब कोई गुनाहगार तेरी बारगाह में तौबा करता है, पशिमान होता है, तो उसकी तौबा को कबूल करता है, तौबा का मुस्तजाब करने वाला। तो देखिए हम गुनाहगार, हम खताकार हैं, लेकिन वो परवरदिगार जो कि अरहमुर रहीमीन, वो परवरदिगारे आलम जो हमारे तवाबुर रहीम है, हमारी तौबा को कबूल करने वाला, परवरदिगार 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला। और देखिए जब कोई चाहने वाला बंदा कोई मखलूक गुनाह करता है ना, तो परवरदिगार आलम मलाइका को हुक्म देता है एक रिवायत के मुताबिक कि 7 घंटे तक इसके गुनाह ना लिखना, मुमकिन है कि ये मेरी बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगे, माफी का तलबगार हो, माफी का ख्वास्तगार हो और मैं इसके गुनाह को बख्श दूं। क्योंकि मलाइका इनात अली इब्ने अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मोमिन अपने गुनाह पर पशिमान होता है, कभी तो होता है ना कि गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं तो एहसास गुनाह ही नहीं, ये ज्यादा बड़ा गुनाह है कि एहसास गुनाह का ना होना कि हम गुनाह कर रहे हैं। कायनात कह रहे हैं जब कोई बंदा मोमिन गुनाह करने के बाद पशिमान होता है, पशिमानी होती है, खुदा उसके गुनाह को मैफ कर देता है, मिटा देता है। किसने गुनाह तो किया है लेकिन उसको बुरा समझता है, तो खुदा जो कि सत्तारुल उयूब है, हमारे ऐबों की पर्दापोशी करने वाला है। इसलिए आयतुल बहजत के जुमले हैं कि जो शख्स एक तस्बीह या 70 की पढ़ता है खुदा उसके गुनाहों को बख्श दिया करता है, यानी कि खुदा उसके ऐबों की पर्दापोशी कर लेता है। जब हश्र का समा होगा, वलीन से आकरीन का मजमा होगा, जिसने इस दुनिया में खुदा को या 70 के नाम से पुकारा होगा, 70 उयूब है, उयूब का छुपाने वाला है, उयूब की पर्दापोशी करने वाला है। और परवरदिगार इस फर्श अज़ा के सदक़े में हम सबको तौफीक अता करे गुनाहों से बचने। बहजत कहते हैं कि जिसने खुदा को इस दुनिया में रहते हुए या 70 के नाम से पुकारा होगा तो वहां भी खुदा उसका भरम रख लेगा, उसकी इज्जत रख लेगा, उसके ऐबों को उसके गुनाहों को छुपा लेगा। तो परवरदिगार गुनाहों को और ऐबों का छुपाने वाला है, चाहता है कि बंदा इस्तग़फार करे, तौबा करे और मैं उसकी तौबा को कबूल करूं। तो वो परवरदिगार यकीनन कि जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा पालने वाला है, और जब कोई उसकी बारगाह में तौबा करता है इस अंदाज से कि उसकी आंखों से अश्क जारी हो जाएं, खौफ इलाही में, खौफ खुदा में तौबा करता है, इधर आंख से आंसू जारी हुए खुदा गुनाहों को महफ कर दिया करता। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि आज
छठी मजलिस, और रोजाना एक ना एक रुकन पर बात हो रही है जो इस फर्श अजा से जो मंसूब है, यानी कि हम इस फर्श अजा पर आते हैं तो दुरूद पढ़ते हैं, हम इस फर्श अजा पर आते हैं तो मरसिया सुनते हैं, हम इस फर्श अजा पर आते हैं, इस फर्श वलाए हुसैन इब्ने अली पर आते हैं तो जिक्र सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, फजाइल सुनते हैं, मसाहिब सुनते हैं। तो देखिए, हम जब इस फर्श अजा पर आते हैं तो इन तमाम जिक्र को सुनते हुए, चाहे मसाहिब सुने, चाहे मरसिया सुने, चाहे सलाम सुने, चाहे नोहा सुने, हमारी आंखों से अश्क जारी। तो मासूम की रिवायत है कि वो आंख, अभी मैंने बयान किया ना, जो खौफे इलाही में रोती है, कयामत के दिन वो आंख नहीं रोएगी। वो आंख जो रात को इबादतें और तिलावत कुरान करती है, आंख रोसे महशर नहीं रोएगी, कोई खौफ नहीं होगा। वो आंख जो हुसैन इब्ने अली सैयद शहदा के गम में रोती है, वो आंख नहीं रोएगी। क्योंकि जिनकी आंखों से जब अश्क जारी होते हैं ना, कहा ये दिल के नरम होने की अलामत है। अपने गुनाहों पे अश्क जारी होना, खुदा की बारगाह में दुआ करते हुए आंखों से अश्क जारी होना, इस फर्श अज़ा पर आकर मसाइब सुनकर आंखों से अश्क जारी होना, ये दिल के नरम होने की अलामत। और कहते हैं कि अगर आपकी आंखों से अश्क जारी ना हो, इस्तग़फार पढ़ा करें कि दिल सख्त क्यों हो गया। और इस फर्शे अज़ा पर बैठना और इस फर्शे अज़ा पर बैठकर गिरिया करना कितनी बड़ी इबादत है। किसके लिए? मेरे आठवें इमाम इमाम ज़ामिन उसामिन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हम आले मोहम्मद की मुसीबत पर, हमारे मसाइब पर रोता है, उसकी आंख से अश्क जारी होते हैं, खुदा उसको बहिश्त में बेहतरीन मकाम अता करता है। और पांचवें इमाम मासूम की रिवायत है कि जो हम आले मोहम्मद के गम पर गिरिया करता है, हमारी मुसीबत पर गिरिया करता है, उसकी आंख से अश्क जारी होते हैं, हम दुआ करते परवरदिगार इस पर अपनी रहमत को नाजिल कर दे। रिवायत मिलता है, बिहरुल अनवार की रिवायत है कि इस फर्शे अज़ा पर बैठ कर रोने वालों का मकाम और मर्तबा क्या है। असी वाकई बयान करो मसाइब से मुतसिल हूँ कि रिवायत में मिलता है कि सैयद हुसैनी इस वाकई को लिखते हैं, कहते हैं कि एक मरतबा आशूर का दिन था और हम मशहद मुकद्दस में आठवें इमाम इमाम ज़ामिन उसामिन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक में मौजूद थे। आशूर का दिन, कहते हैं सुबह का, कयामत का दिन, कहते हैं सब बैठे हुए थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। कहा एक सब के सब बा इल्म लोग, कहते हैं हमारे ही दोस्तों में, पांचवे इमाम की एक दोस्त ने ये रिवायत पढ़ी कि हुसैन इब्ने अली के गम में अश्क आंसू आंखों से आंसुओं का बहना इतना सवाब है कि अगर हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत में उनके मसाइब को सुनते हुए किसी की आंख से मच्छर के पर के बराबर भी आंसू बह जाए, आंसू निकल आए, खुदा उसके गुनाहों को उस आंसू के सदक़े में मिटा देता है, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर। पांचवें इमाम की रिवायत सुन, कहते हैं कि उन्हीं दोस्तों में एक दोस्त ने कहा कि
मैं नहीं मानता, मतलब मुझे समझ नहीं आती ये रिवायत, शक जाहिर किया कि कैसे मुमकिन है कि इतने गुनाह। और एक आंसू जो मच्छर के पर के बराबर हो वो तमाम गुनाहों को मिटा दे। देखिए मैं और आप, हम अपनी निगाह से देखते हैं। मिसाल के तौर पर कोई करबला मौला जाता है ना, कहा अरबईन के हर साल के पूरे साल के जव्वार का बहुत बुलंद मकाम है, लेकिन अब अरबईन के जव्वार का मकाम और ज्यादा बुलंद हो जाता है कि एक एक कदम के बदले परवरदिगार आलम हज और उमरे का सवाब अता कर रहा है। ऐसा ही है ना। और भी यानी कि आयतुल्ला जाफर शुस्तरी ने अपनी किताब फसाइज हुसैनी में बहुत ज्यादा फजीलतें लिखी एक जव्वार हुसैन। इसी तरह से हम ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं, ज़ियारत आशुरा पढ़ते हैं, जो नौ ज़िलहिज को ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ता है, परवरदिगार आलम उसको हज व उमरे का सवाब अता करता है। तो हम अपनी निगाह से देखते हैं कि एक छोटा सा अमल इतना बड़ा अज्र। इसी तरह वो शख्स सोच रहा है कि मच्छर के पर के बराबर आंखों से अश्क बहे और खुदा इतने गुनाहों को बख्श देगा। तो हम गुनाहगार, हम खताकार अपने निगाह से देखते हैं, लेकिन वो हस्ती के जिसके लिए ये अमल किया जा रहा है, जिसकी जियारत पढ़ी जा रही है, जिसकी जियारत की जा रही है, जिसके गम में अश्क बहाए जा रहे हैं, उस हस्ती का मकाम, उस हस्ती की मंजिलत, उस हस्ती का मर्तबा खुदा की बारगाह में कितना बुलंद है हम ये नहीं देखते। जिस हस्ती के लिए हम ये अमल कर रहे हैं उसकी खुदा की बारगाह में क्या मंजिलत है। कि हुसैन इब्ने अली की हस्ती वो हस्ती है कि जिसके लिए परवरदिगार कह रहे कह दे हुसैन सारी खुदाई तो बख्श दो। वो हुसैन बहुत बुलंद मकाम। तो बस मुख्तसर ये कि ये बात हुई। अब वो दोस्त जो कह रहा था मुझे यकीन नहीं है, कहते हैं कि उसी दिन आशूर का दिन जब शामे गरीबा यानी कि रात हुई ना, तो सब चले गए थे दिन में जैसे अपने अपने घरों के जनाब। जब आया है तो ज़ारो पता रो रहा था और सबसे माफिया मांग रहा था कि मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ। कहा भाई क्या हुआ, सुबह तो इतना बज़िद थे यानी कि बहस कर रहे थे कि नहीं ये कैसे मुमकिन है। कहा मेरी आंख लगी, मैंने देखा हश्र का समा है, अव्वलीन से आखरीन का मजमा है, हौज़े कौसर पर तीन हस्तियां मौजूद हैं, तीनों के तीनों सियाह लिबास ज़ेबतन किए हुए। मैंने किसी से पूछा ये हस्ती कौन है, ये हस्तियां कौन है, नहीं पहचाने जनाब रसूल खुदा है, भाई का इनात अली इब्ने अबी तालिब है और हजरत सहरा है। और लोग जा रहे हैं कौसर पर सैराब हो रहे हैं। कहा मैं भी उस कतार में शरीक हो गया, जब पहुंचा मेरी बारी आई, मैंने कहा मैं भी बीबी आपका चाहने वाला, मौला मैं भी आपका चाहने वाला, मुझे भी सैराब कर दीजिए। हजरत सहरा की आवाज आई कि तू तो मेरे हुसैन के गम में रोने के सवाब को नहीं मानता, तुझे यकीन नहीं है, तुझे कैसे हौज़े कौसर से सैराब कर दूं। बस वो कहते हैं मैंने ये देखा और मेरी बेदार हुआ, आंख खुली और तड़प तड़प कर रोने लगा, माफी मांगने लगा, बीबी मुझे माफ कर दीजिए। यकीनन हुसैन इब्ने अली के रोने वालों की बहुत मंजिलत है। देखिए कभी शक ना कीजिएगा, अगर हुसैन के सदक़े में खुदा दुनिया दीन और दुनिया की दौलतें दे रहा हो तो शक ना कीजिएगा। कहा इसलिए मैं रोता हुआ तड़पता हुआ आगे और सबसे माफी मांग रहा हूं। तो यकीनन चांद रात से नहीं तो कम अज कम पहली मुहर्रम से हुसैन के चाहने वाले ये अमल अंजाम दे रहे, फर्शे अजा पर बैठ कर एक दुखियारी माँ फातिमा जहरा को पुरसा दे रहे हैं। बीबियों आज मुहर्रम की 6 तारीख,
आज इस फर्श अजा पर उम्मे रुबाब आई हुई हैं, शहजादे अली असगर का पुरसा देना। मेरा सलाम हो औलाद वाली माएं बैठी हुई हैं, मेरा सलाम हो उस उम्मे रुबाब पर कि जो एक मर्तबा करबला में उजड़ी, एक मर्तबा शाम के जिन्ना में उजड़ गई। मेरा सलाम हो उस उम्मे रुबाब पर। बीबियों कहते हैं ना रोजे आशूरा वो कयामत का दिन कि जब हल मिन नासिर यंसुलना की आवाज बुलंद हुई है ना, सदाए इस्तेहासा बुलंद की है हुसैन इब्ने अली ने, यकीनन मैं कहती हूं कि मख्तल में जो लाशें बिखरे हुए थे ना, जिनमें अब्बास का लाशा था, जिसमें अली अकबर का लाशा था, कासिम की लाश के टुकड़े थे, सब तड़पने लगे होंगे कि मेरा मौला इंतहाई गुर्बत के आलम में, हमारा इमाम, मेरा भाई, चचा, मेरा बाबा इंतहाई गुर्बत के आलम में हमें पुकार रहा। उस वक्त उम्मे रुबाब के खेमे से गिरिया की आवाज, मेरे मौला आए, रुबाब क्या हुआ? आपने जैसे ही सदा इस्तेगासा को बुलंद किया है ना, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया है, गोया कह रहा हूं कि मौला अगर अली अकबर नहीं है तो क्या हुआ मैं मौजूद, अगर भैया कासिम नहीं है तो क्या हुआ मैं मौजूद हूं, अगर अली अगर चचा बास नहीं है तो मैं मौजूद हूं, अगर ओनो मोहम्मद नहीं है तो मैं मौजूद हूं, मेरे मौला क्या कहते हैं? कहा रुबाब लाओ हम शायद बच्चे को पानी पिला कर लिया। बस उम्मे रुबाब ने अली असगर को मौला की आगोश में दिया। अब जो अली असगर को इमाम की आगोश में दिया है ना, एक मर्तबा 6 महीने के सगीर ने हसरत से माँ की जानिब आखिरी निगाह की, गोया कह रहा हूं अम्मा खुदा हाफिज, ए अम्मा अब जो जाऊंगा तो वापस ना आऊंगा। बस एक मर्तबा माँ ने बेटे को आखिरी मर्तबा देखा और अली असगर ने आखिरी मर्तबा हसरत से माँ के चेहरे की जानिब देखा। हुसैन इब्ने अली ने अली असगर के चेहरे पर अबा का दामन डाल लिया, धूप इतनी तपती हुई थी। बस हुसैन अली असगर को लेकर आए हैं, मुख्तसर करके बयान करूं, कहा कि इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी निगाह में हुसैन कसूरवार है, इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, इसको दो बूंद पानी पिला दो। हुसैन इब्ने अली ने अली असगर को रेगे गर्म पर लिटा दिया कि अगर तुम समझते हो कि हुसैन खुद पानी ले लेगा तो तुम आकर इसको पिला दो। लेकिन कोई करीब ना आया। मेरे मौला ने हुज्जत तमाम की, कहा अली असगर तुम हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी सूखी हुई जबान खुद दिखा दो। अब जब अली असगर ने नन्नी सी जबान फेरी है होंठों पर, फौजी अशकिया मुंह फेर फेर कर रोने लगी। जैसे ही फौजी अशकिया में एक तला तुम बरपा हुआ, इब्ने ज़ियाद को महसूस हुआ कि हम जीती हुई जंग हार जाएंगे। कहा ए हुरमला हुसैन के कलाम को अता कर दे। हुसैन इब्ने अली ने अली असगर को आगोश में लिया। उधर हुरमला ने तीर को चिल्ले कमान में जोड़ा, 3 भाल वाला सहशा का तीर, अरे मेरा सलाम हो उस हुसैन इब्ने अली पर, मेरा सलाम हो उस नन्हे शिशमाहे अली असगर पर। बस बीबियों रिवायत में मिलता है कि जैसे ही हुरमला ने तीर को चिल्ले कमान में जोड़ा, वो तीर गिर गया, दोबारा जोड़ा, दोबारा गिरा। कहा ए हुरमला तू तो बेहतरीन तीर अंदाज है। कहा जैसे ही मैं तीर को चिल्ले कमान में जोड़ता हूँ, खेमे का पर्दा हटता है और एक बेकरार माँ कहती है ए हुरमला तेरा तीर बहुत वजनी है और मेरे अली असगर की गर्दन बहुत नन्नी सी है। बस उधर हुरमला करती चला और गुलियों ए अली असगर को छेता हुआ बाजुए हुसैन में पेवस्त हो गया। मेरा इमाम जमाना ज्यारत नहिया में कहते हैं मेरा सलाम हो उस शीर करबला के उस शीर खार पर कि जिसका तालू तक शहीद कर दिया गया। बस हुसैन ने
अली असगर के गर्दन से तीर निकालना चाहा, लेकिन नहीं निकलो, नन्ना सलाशा खिंचा चला आता है। हुसैन कहते हैं, ए अली असगर, बाबा का इम्तिहान न लो। अरे अभी 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 अली अकबर के सीने से पर्ची का फल निकाल कर आ रहा हो। ए मेरे लाल, अपने बाप का इम्तिहान न लो। अली असगर कह रहे थे, गोया कह रहे हो, बाबा आप मेरी गर्दन से तीर को खींच लीजिए। बस बीबी हुसैन ने अबा का दामन अली असगर के चेहरे पर डाला। औलाद वाली माओं का मजमा है, आप आशूर के दिन आमाल करती हैं ना, सात मरतबा आगे बढ़ती हैं और सात मरतबा पीछे हटती हैं। एक रिवायत के मुताबिक आशूर के दिन ये वो मकाम है, हुसैन सात मरतबा आगे बढ़े, सात मरतबा पीछे हटे। रिजन बेकजा ही व तस्लीमन ले अम्र ही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे आशूर के दिन वो मकाम है कि परवरदिगारे आलम ने हुसैन इब्ने अली को तसल्ली दी है। बस हुसैन बाप, हुसैन इमाम वक्त है, हुसैन हुज्जत खुदा है, हुसैन फर्जंद रसूल है, लेकिन सीने में एक बाप का दिल भी मौजूद था। हुसैन के सीने में एक बाप का दिल भी मौजूद था। बस कहते हैं कि जैसे ही उम्मे रुबाब को आहट महसूस हुई है, बाहर आई, कहा, ए आका, क्या मेरे बच्चे को पानी पिला कर ले आए? ए रुबाब, मैं कौन हूँ? ए रुबाब, मैं कौन हूँ? कहा, आप मेरे वाली वारिस हैं, आप मेरे इमाम वक्त हैं, आप मेरे इमाम जमाना हैं। ए रुबाब, जो मैं कहूँगा वो मानोगी? रुबाब खामोश है। बस हुसैन इब्ने अली ने अली असगर के चेहरे से अबा का दामन हटाया। अब जो उम्मे रुबाब ने देखा है औलाद वाली माँ, और रुबाब रुबाब न रही, चेहरा कुंदन हो गया। फकत एक जुमला कहा, मौला क्या अली असगर का कातिल साहिब औलाद ना था? ए अली असगर, क्या तुझे से भी नहर किए जाते हैं? अरे अली असगर इतना मासूम, मैं कहती हूँ हुसैन ने किसी को दफन नहीं किया, किसी के लाशे को दफन नहीं किया जिसका लाशा लाते थे, अरे गंजे शहीदा में नहाल देते थे, लेकिन ये नन्ना सा लाशा, ये सोच कर नन्नी सी कब्र खोदी और इस नन्ने से लाशे को दफनाया कि अरे लाशों की पामाली होगी, लेकिन ये नन्ना सा लाशा शाम गरीबा में पामाल ना हो। बस बीबी आखिरी जुमले बयान कर रही हूँ, दिल खोल कर पुरसा दे दीजिए। अली असगर बाबुल हवाइज हैं, फकत अब्बास बाबुल हवाइज नहीं, अली असगर भी बाबुल हवाइज हैं। खुदा आपकी हाजतों को पूरा करे इस फर्शियाजा पर जो बीबियाँ पुरसा दे रही हैं, खुदा उनकी हाजतों को पूरा करे इस बाबुल हवाइज के सदक़े में। जो जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, खुदा उम्मे रुबाब की उजड़ी हुई गोद के सदक़े में उन्हें नेक और सोले औलाद अता करे। बस बीबी आखिरी जुमले बयान कर रही हूँ, हुसैन इब्ने अली ने अली असगर की लाश को दफनाए, करबला का वाहिद शहीद है। अरे जिसको दो मर्तबा दफन किया गया, एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली ने दफन किया और दूसरी मर्तबा 11 मुहर्रम को सैयद सज्जाद ने दफन किया, और एक मकाम पर मेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद ये कहता है, जब किसी ने पूछा था ना तो मेरे इमाम ने कहा था, मौला किस किस के लाशे पामाल हुए? मेरे इमाम ने कहा था, अरे जब शामे गरीबा में लाशे पामाल हुए, अरे जब घोड़े दौड़े हैं और मेरे बाबा का लाशा पामाल हुआ, मेरे बाबा के सीने पे मेरे भाई अली असगर का लाशा, इतने घोड़े दौड़े अली असगर के जिस्म की हड्डियां हुसैन के सीने में पेवस्त हो गई, और हुसैन का जिस्म अली असगर के, अली हुसैन का गोश्त और खून अली असगर के खून में मिल गया। मेरा सलाम उस उम्मे रुबाब पर, अरे उजड़ी हुई माँ देखती रही और सगीर का लाशा पामाल होता रहा। आइए शहजादी उम्मे रुबाब, कनीजें आई हैं आपको शहजादे का पुरसा देने के लिए। ए बीबी, शहजादे के पुरसे को कबूल कीजिए, दुआ दे कर जाइएगा। आपका मासूम अली असगर, आपका ये नन्ना सगीर, ये बाबुल हवाइज है, कोई
कोई बीबी नामुराद ना जाए सफर शहजा से, इस बाबुल हवाइज के सदक़े में, इस शीख पार के सदक़े में, जिन बीबियों की आंखों से अश्क जारी हो रहे, खुदा उनकी तमाम हजतों को पूरा करे। पर मैंने दुआ की है कि परवरदिगार आलम इस शहजादे के सदक़े में जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, परवरदिगार उनको नेक और सोहले औलाद अता फरमाए। खुदा आप सब की, हम सब की हाजतों को पूरा करे, साहिब खाना की और हम सब की इस कलील से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन।